चलिए हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नहीं देखेंगे यहाँ पर, बस पैटर्न थोड़ा समझेंगे कि आपके कौन कौन से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। गुड इवनिंग मुनीश। चलिए 10 बज गए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो कुलदीप, कैसे हैं आप? हेलो गोविंद, हेलो संदीप, नमस्ते। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबको स्क्रीन साफ साफ दिखाई दे रही है? सभी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी? चलिए तो हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में अभी तक आपके 3 एग्जाम हुए हैं, यूके ट्रिपल एससी के 3 एग्जाम हुए हैं। थोड़ा और स्टूडेंट्स को आने दीजिए, तब तक आप लोग अपने दोस्तों से हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि पिछली बार आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जैसे आपको आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड भी किए थे अपने एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चन आपके अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे गए थे, जैसे कि टनल, ब्रिज और एयरपोर्ट से भी एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन या कितने क्वेश्चंस आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, हर एक पेपर में देखेंगे। ठीक है, 3 पेपर आपके पास हैं अभी तक, यूके ट्रिपल एससी ने 3 पेपर कंडक्ट कराए हैं। गुड इवनिंग कुमार शिव। तो ये जो 3 पेपर हैं आपके, ये आपके एक सर्वे का एग्ज़ाम हुआ था, सर्वेयर का एग्ज़ाम, ठीक है, एक ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हुआ था और एक पिटकुल जेई का एग्ज़ाम हुआ था। पिटकुल जेई का पहले हो गया था, ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम का बाद में हुआ था। ठीक है, पहले जो पैटर्न था वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों का था, लेकिन बाद में उसे चेंज कर दिया गया और सिर्फ टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एससी के जो स्टूडेंट हैं तो उनका जो पैटर्न है फिलहाल वो आपका 100 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में और वो पूरे के पूरे टेक्निकल बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं या किस सब्जेक्ट से। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, दरअसल हम पैटर्न डिस्कस करेंगे सिर्फ, कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से थे। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, आपको तो सबको पता है कि ये आपको जो पेपर है कहाँ पर प्रोवाइड मिले होंगे। अगर जिसने भी ये पेपर देखे नहीं है, सर्वेयर का, ड्राफ्टमैन का और पिटकुल का, ये आशीष ने हमको प्रोवाइड कराए थे सारे के सारे पेपर। ठीक है, तो इसका जो, अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, ये प्रोविडेंस कोचिंग हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में प्रोविडेंस कोचिंग ऐप है। प्ले स्टोर कोचिंग ऐप है हमारा, तो प्रोविडेंस कोचिंग ऐप है प्ले स्टोर में। ठीक है, एक मिनट, ज़रा दिक्कत आ रही है ज़रा मेरे पे। चलिए ठीक हो गया। हाँ, तो पेपर्स आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना है प्रोविडेंस कोचिंग, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर आप तीनों पेपर, सर्वेयर का, ड्राफ्टमैन का और पिटकुल जेई, तीनों पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हेलो संदीप, हाँ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी संदीप, तो उसमें एक सिविल इंजीनियरिंग एक फोल्डर होगा, आपको स्टोर पे जाना है। ठीक है, स्टोर में एक फोल्डर होगा सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट, सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सेट कुछ पीडीएफ करके होगा, तो वहाँ पे बाकी सारे तो लॉक्ड होंगे, मगर ये जो 3 पेपर होंगे ये आपके अनलॉक होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं, ये हमेशा अनलॉक रहेंगे। चलिए, तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पेपर देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब जरा इनका लेवल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वेयर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेयर एग्ज़ाम जो था उसमें टेक्निक नॉन टेक पोर्शन भी था, तो अभी हम नॉन टेक पोर्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ टेक्निकल पोर्शन की बात करेंगे। तो आई थिंक सर्वेयर में नहीं था, ड्राफ्टमैन में रहा होगा। ठीक है, हेलो अक्की राणा। तो देखिए,
जो आपका सर्वेयर एग्जाम था उसमें डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है, आपका सर्वेइंग के ही 100 के 100 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। ठीक है, सर्वेइंग या थोड़ा अगर आप कर्व को कौन से सब्जेक्ट में लेते हो वो डिपेंड करता है, अगर आप कर्व को हाईवे में समझते हो तो ट्रांजिशन कर्व से भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, शिफ्ट वगैरह इन सब के। ठीक है, तो जो आपका UGT SSC का जो सर्वेयर का एग्जाम हुआ था वो पूरा का पूरा सर्वेइंग का हुआ था। ठीक है, इस वजह से हम सोच सकते हैं कि अगर जल निगम का पेपर हो तो शायद जल वाले क्वेश्चन यानी कि वाटर सप्लाई वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं शायद। ठीक है, इसकी कोई गारंटी है नहीं। हेलो सुधीर। ठीक है, तो ये UGT SSC की बात थी सर्वेयर की। ठीक है, सर्वेयर के एग्जाम की बात थी सिर्फ। अब अगला पेपर देखते हैं हम, वो है ड्राफ्टमैन का पेपर। ठीक है, तो जरा ड्राफ्टमैन का पेपर देखिए गोविंद जी, एग्जाम की तो अब इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम कह नहीं सकते कि कब एग्जाम होगा। इस टाइम तो जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, तो थोड़ा आप डिले समझ सकते हो कि थोड़ा और ज्यादा डिले होता रहेगा एग्जाम। तो इस साल तो आप ये मान के चलो कि शायद 2020 आपका बिना एग्जाम दिए ही जाने वाला है। ठीक है, तो UGT SSC ड्राफ्टमैन का एग्जाम देखिए और यहाँ पर देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आए हैं। ठीक है, देखिए आरचेस से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। आरचेस जो चैप्टर है आपका उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैंने BMC के अंदर कंसिडर किया है। ठीक है, तो BMC से आपके सेपरेटली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 20-20% का वेटेज आपका BMC रखता था ड्राफ्टमैन के एग्जाम में UGT SSC का जो हुआ था। देखिए, मैंने इसमें सीमेंट एग्रीगेट को और वाटर सीमेंट रेशो से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में डाला है, या वर्केबिलिटी से जो संबंधित क्वेश्चन है उसको मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सेक्शन में डाला है। ठीक है, तो वो BMC से अलग है। तो BMC में आपके स्टोन मेसनरी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेयर केसेस के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, यहाँ पर UGT SSC के ड्राफ्टमैन का जो एग्जाम था कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 14 मार्क्स यानी कि 14 क्वेश्चंस आए थे। सर्वेइंग की बात करते हैं तो देखिए सर्वेइंग से आपके 14 क्वेश्चन आए थे और RCC से आपके 12 क्वेश्चन आए थे। अब देखिए अगर सिर्फ इनका टोटल कर दिया जाए, अगर सिर्फ BMC कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर्वेइंग और RCC का टोटल कर दिया जाए तो ये आपके 50% से ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल सुधीर, UP के भी हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में सॉइल मैकेनिक से 7 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको थोड़ा ध्यान रखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्योंकि ड्राफ्टमैन का एग्जाम था। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है और वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। सिंबल्स भी पूछे गए थे, तो सिंबल्स को मैंने सर्वेइंग में नहीं लिया, सिंबल्स को मैंने आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिया है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन की संख्या थी 5। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 50-60% जो वेटेज है वो सिर्फ RCC, सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और BMC रखता है। किसी भी एग्जाम में वैसे यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन वहाँ पे RCC को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, लेकिन UGT SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पर आपका ये पैटर्न बहुत फॉलो हुआ है। BMC, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग और RCC इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल मनीष, UGT SSC का भी एक बार हम एनालिसिस करेंगे, उसके मुझे पेपर्स मिल चुके हैं तो मैं जल्दी उसका एक एनालिसिस करूंगा कि कितने वेटेज का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। चलिए UGT SSC की और क्वेश्चन देखते हैं। तो हाईवे से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे से कोई भी क्वेश्चन नहीं था ड्राफ्टमैन के एग्जाम में, स्टील स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन है, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन जो आपका इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उससे मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स इतना इंपॉर्टेंट और इतना कठिन सब्जेक्ट होने के बावजूद भी सिर्फ 2 क्वेश्चन ड्राफ्टमैन के एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए थे। ऑटोकैड की बात करते हैं तो ये थोड़ा नया है, ऑटोकैड से 2 क्वेश्चन, एक कमांड का और एक क्वेश्चन आया था कि जो आप फाइल सेव करते हो ऑटोकैड की उसका एक्सटेंशन क्या होता है। हेलो श्रीकांत, नमस्ते। तो एक्सटेंशन पूछा गया था ऑटोकैड का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऑटोकैड से ड्राफ्टमैन के एग्जाम में आए थे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके JEE के एग्जाम में फिर से आए। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैं अगर अपने मन से बोलूं तो मैं ये मान के चलूंगा कि ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके एग्जाम में जो अभी JEE का एग्जाम होगा उसमें आने के चांसेस कम है थोड़ा। ठीक है, ब्रिज इंजीनियरिंग की बातें करते हैं तो जो ब्रिज इंजीनियरिंग है आपका ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज इंजीनियरिंग आपका क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसमें भी और जो नेक्स्ट मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला हूँ उसमें भी। तो ड्राफ्टमैन के एग्जाम में ब्रिज इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उससे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए और हाइड्रोलॉजी से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। वाटर सप्लाई की बात करें तो ड्राफ्टमैन के एग्जाम में 1 क्वेश्चन वाटर सप्लाई का आया था, मगर आपका सीवेज और एयर पॉल्यूशन और वाटर आपका नॉइस पॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे ड्राफ्टमैन के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्टमैन का एग्जाम पूरा होता है। अब देखिए, अगर आप सर्वेयर और ड्राफ्टमैन के एग्जाम को देखोगे और आप पूछोगे इनका लेवल कैसा था, तो देखिए लेवल था इजी टू मॉडरेट।
इजी टू मॉडरेट, यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगा कि आपका जो, देखिए ये लेवल मैं तब का बोल रहा हूँ जब आप एग्जाम देने बैठते हो तब के लिए, ठीक है। अभी तो आप जानते हो सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, तो अब आपको सब लगेगा कि 100 के 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। हेलो विपिन, थैंक यू विपिन सिमाल जी का धन्यवाद, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आपका इसका लेवल रहा होगा जब आप एग्जाम देने बैठे होंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि 70-80% या 60-70% आप इजी परसेंटेज मान लीजिए और बाकी का मॉडरेट मान लीजिए, ठीक है। अब हम मेन एग्जाम में आते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो, हेलो बिट्टू कुमार, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं वो सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम को बिल्कुल भी अपना बेस लेके मत चलना, क्योंकि आप धोखा खा जाओगे फिर पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो पैटर्न था इजी टू मॉडरेट था, जिस बच्चे ने भी पिटकुल जे का एग्जाम देखा होगा उसकी आंखें खुल चुकी होंगी, क्योंकि वो एक बेहतर पेपर था, ठीक है। जो जिसका लेवल अगर मैं बोलूँ तो इजी क्वेश्चन भले ही उसमें थे, लेकिन अगर उसका लेवल उस टाइम पे देखा जाए जब वो एग्जाम हुआ था 2016 या 17 में, तो उसका जो मैं लेवल मानूंगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानूंगा, उस समय के हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इसका मतलब अभी आप ये मान के चलिए कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम होगा वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में ही आएगा, वो ड्राफ्टमैन और सर्वेयर की तरह इजी नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम पेपर की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, तो इससे पहले संदीप का कमेंट है 100+121, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के जेई के बच्चों के लिए कि कितनी वैकेंसी है, 100 वैकेंसीज है कि 121 वैकेंसी है, मतलब उसको भी जोड़ के, ठीक है, 100+121 मतलब 221 वैकेंसी हो जाती है। हाँ बिट्टू कुमार जी, ग्रुप सी के लिए बिल्कुल सर आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है शुभम सर, वो आपको ग्रुप सी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी पिटकुल जेई को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के बेस, इसी को बेस रखना है आपने और इसी के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। इसका लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, यानी कि आजकल के एग्जाम में प्रेजेंट कंडीशन में जो क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सर्वेयर और ड्राफ्टमैन का एग्जाम का हमने डिस्कशन कर लिया है, जो लोग लेट आए हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, जब ये वीडियो दोबारा से यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए पिटकुल जेई की बात करते हैं, तो बीएमसी पिछले बार की तरह, ठीक है, एकदम सेम टू सेम कॉपी सा हो गया है पुराना वाला। बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी अभी भी टॉप में ही है, ठीक है, बीएमसी से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिटकुल जेई में और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से मात्र 8 सवाल, लेकिन वो भी 8 सवाल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमेशा एक बड़ा परसेंटेज लेके चलता है, और बीएमसी में आप ध्यान रखिएगा मैंने बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन तीनों को एक साथ लिया है, ठीक है, इसलिए ये आंकड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है। अगर मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी इसमें मिला देता तो ये आपका 30% कवर कर लेता पेपर को, ठीक है, पुराने पेपर को, इसमें तो आप 20% मान के चलिए। सर्वेइंग के जो क्वेश्चंस आए हैं अभी भी सर्वेइंग टॉप में बना हुआ है, ठीक है, 10 मार्क्स के आपके सर्वेइंग का पूछा गया था पिटकुल जेई में यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, और आरसीसी का जो क्वेश्चन के संख्या थी वो 7 थी, तो इस बार भी बीएमसी कंक्रीट और सर्वेइंग और आरसीसी ने टॉप कर लिया, मतलब यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं यूके ट्रिपल एससी के पेपर में ड्राफ्टमैन और पिटकुल जेई में। सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है, पिछले बार ये उतना आया नहीं था ड्राफ्टमैन के एग्जाम में, मगर पिटकुल जेई के एग्जाम में ये 8 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, इतने मुश्किल भी नहीं थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें डिफ्लेक्शन वगैरह इन सब की वैल्यूज भी पूछी जा चुकी थी। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं अप्लाइड मैकेनिक्स को भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वाटर सप्लाई की बात करें तो इस बार वाटर सप्लाई का आंकड़ा बढ़ गया था पिटकुल जेई में, 7 क्वेश्चन आपके वाटर सप्लाई से पूछे गए थे, ठीक है, ये सारी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हाईवे इंजीनियरिंग की, तो हाईवे इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे हाईवे से, ठीक है, मगर रेलवे से इतने ज़्यादा नहीं थे, रेलवे से कम थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग पिटकुल जेई में भी आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब इस बार आप अगर जेई के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी, 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि पिटकुल जेई में भी पूछी गई है, इसका मतलब जेई में अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी गई है, पहले हम ये सोच रहे थे कि आपके सिर्फ ड्राफ्टमैन में पूछी गई थी, ठीक है, लेकिन अब पिटकुल जेई में भी पूछी गई है तो इसका मतलब हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन, ठीक है, बनते हैं हाईवे का, इतना
स्टील स्ट्रक्चर से 6 क्वेश्चन, ठीक है, स्टील थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए स्टील से 6, लेकिन अभी भी पुराने के जो 4 सब्जेक्ट थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरीगेशन इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन और कॉस्ट एंड एस्टिमेशन से 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला जो अगली जो आपकी स्लाइड है इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। अब पंकज कुमार, आपको पिटकुल के पेपर मिल नहीं रहे, एक बार आप थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारा जो स्टोर वाला ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन में, उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट नाम का फोल्डर है, उसमें जाना है, ठीक है। आपको परचेज कुछ नहीं करना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी खरीदना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा वो। वो दूसरे फोल्डर में जा चुका है, ठीक है, पुराने वाला फोल्डर गायब हो चुका है वहाँ से। तो UK SSSC पिटकुल JEE का ये पैटर्न था। चलिए अब इस यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ धक्का देने वाली चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स इस बार भी थोड़ा कम आया है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का आ चुका है पिटकुल JEE में, उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स में अब भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ब्रिज इंजीनियरिंग पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन इस बार पिछले ड्राफ्टमैन के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन आए थे और आपके पिटकुल JEE के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है कि इस बार के UK SSSC JEE के एग्जाम में भी आपके 2 क्वेश्चन ब्रिज से कुछ ना कुछ आ जाएं। मतलब मैंने कलवर्ट को भी ब्रिज के अंदर लिया है, जो BMC वगैरह में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो है तो ब्रिज का ही पार्ट वो, और एक आपका जो टेक्निकल डीप क्वेश्चन था वो ब्रिज से ही था, ठीक है। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के, जैसे आशीष ने बताया, 2 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। हाइड्रोलॉजी इस बार दस्तक दे चुका है, हाइड्रोलॉजी का 1 क्वेश्चन है। सीवेज भी दस्तक दे चुका है, 1 क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कहाँ से आ गया। टनल का भी 1 क्वेश्चन था, माइनिंग से संबंधित, जो कभी कभी जनरली BMC के नोट्स में मिल जाता है, ठीक है, टनल इंजीनियरिंग का 1 क्वेश्चन था। और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का भी 1 क्वेश्चन था आपके पिटकुल JEE में, इसका मतलब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा इनमें से किसी को भी, ठीक है, क्योंकि ये सब 1-1 मार्क्स के हैं तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि कितना लीक से हटे हैं, ठीक है, ये सब 1-1 नंबर गायब हो जाते हैं क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते नहीं। CPM पर्ट हमें पढ़ना होता है, SSC JEE वगैरह इन सब के लिए भी, तो CPM पर्ट से जो क्वेश्चन आए हैं वो 1 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि BMC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैंने आगे पीछे कर दिए हों, ठीक है, तो इस वजह से वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो संख्या ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। आपका जो एनालिसिस है उसकी भी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। सुधीर, ठीक है सुधीर, फिलहाल तो यही वाला ठीक है। चलिए, तो ये था आपके तीनों पेपर का एनालिसिस, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, सर्वेयर के एग्ज़ाम में सिर्फ सर्वेयर के 100 क्वेश्चन थे, आपके ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम में जो 60-70% आपका जो छूता है, वो 60% मान के चलिए, वो शुरू के 4 BMC कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर्वेइंग और RCC सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स SOM, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ड्राफ्टमैन के एग्जाम में तो आना ही था, खैर वो कोई हैरानी की बात नहीं है, मगर JEE के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑटोकैट से ड्राफ्टमैन के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, मगर पिटकुल JEE के एग्जाम में ऑटोकैट नहीं आया है, तो इसमें हम थोड़ा रियायत ले सकते हैं ऑटोकैट से संबंधित, ठीक है। फिर ब्रिज से क्वेश्चन आ चुके हैं, ब्रिज से ड्राफ्टमैन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे और आपके पिटकुल JEE के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, तो ब्रिज वाला जो पार्ट है ये हम थोड़ा अगर एक बार रीड करके जाएं, ठीक है, तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, हो गया, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग 2 मार्क्स की, तो इरिगेशन तो आपको पढ़ना ही होता है, अच्छा सब्जेक्ट है वैसे भी, इंटरेस्टिंग है। वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर सप्लाई 1 मार्क्स है, ठीक है। और पिटकुल JEE का मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से BMC कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर्वेइंग RCC ये सब आपके टॉप के सब्जेक्ट रहेंगे। थैंक यू आशीष। तो अब इसके लिए बुक्स की बात करें तो देखिए, मेरा सबसे पहला फोकस जो जाता है वो आपकी प्रीवियस पेपर को, हमें कम से कम हमें इतना तो हो कि जितने बाकी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आए उतने तो हमें आने ही चाहिए, उसके लिए हमें प्रीवियस पेपर करने पड़ते हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो देखिए, मैं अगर बुक्स के लिए सजेशन दूँ तो आपका प्रीवियस पेपर के जो बुक है वो YCT पब्लिकेशन की प्रीवियस पेपर की बुक्स आती हैं, बहुत सारी उनकी बुक्स हैं आजकल, तो उनमें से आप कोई सी भी एक ले सकते हो, कोई 50,000 वाली बुक है जिसमें 50,000 क्वेश्चंस है, मतलब प्राइस उसका 200-300 रुपये होता है, ठीक है, और एक आपकी जो 15,000 वाली क्वेश्चन की बुक आती है 2 वॉल्यूम में, एक वो होता है, ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दिए हुए हैं, प्रोविडेंस कोचिंग ऐप है हमारा, ठीक है, 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 31 प्रैक्टिस सेट मतलब 3100 क्वेश्चन, ठीक है, 100-100 क्वेश्चन आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं।
हमारा जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, वो भी पिटकुल जेई को ध्यान में रखा था हमने, ठीक है। हमने सर्वे और ड्राफ्टमैन के एग्जाम को ध्यान में नहीं रखा, आपके पिटकुल जेई को ध्यान में रखा, इसलिए हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर ही बनाया था, जिसमें 20% क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और बाकी सारे आपके जेई लेवल के हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आप उनको भी सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है। हम उनको भी सॉल्व करेंगे वीडियो में, लेकिन उसके लिए अगर कोई मॉक टेस्ट लेना चाहे तो वो, ये हमारे एप्लीकेशन है प्रोविडेंस कोचिंग प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट है, जैसे ही आप उसमें वो उसमें पेमेंट लगा हुआ है, जैसे ही आप पेमेंट लेते हो, जैसे ही पेमेंट करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको सारे फ़ोन पे भी पीडीएफ मिल जाएगी और ईमेल आईडी में पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे एप्लीकेशन में आप जब तक मर्जी उसे देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोविडेंस कोचिंग नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारा, तो मेरे हिसाब से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सैम्पल पेपर लेना चाहते हो तो मुझसे एक दो पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दो, मेरे हिसाब से तो इतने हैं, क्योंकि इसमें YCT में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हज़ारों में, और 3100 क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो सकती है। बाकी आप जिसको भी कंसिडर करना चाहो, मैं आपको किसी जब भी प्रैक्टिस आप करनी चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ तीसरा, अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता करना चाहते हो तो गुप्ता एंड गुप्ता भी मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ। कुछ दिनों में हम गुप्ता एंड गुप्ता की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन छपे होंगे और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन छपे होंगे, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का फ़ायदा उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट की बातें। तो देखिए, UKSSSE पिटकुल का पेपर आप पहले देखना, ठीक है। आप ड्राफ्टमैन का पेपर और जेई, मतलब आप सर्वेयर का पेपर मत देखना पहले, क्योंकि कई बच्चे सर्वेयर और ड्राफ्टमैन का पेपर देख के समझते हैं कि अरे वाह इतना इजी पेपर आने वाला है UKSSSE का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पिटकुल जेई का पहले देखिए, अगर आप उसमें बिना पढ़े 50-60% भी स्कोर कर पा रहे हैं तब आपका तैयारी थोड़ा ठीक है। अगर आप इतनी भी नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट बन सकता है। वैसे भी जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो पेपर डिफिकल्ट बनना लाजमी है। चलिए, तो ये था आपका बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे हमने तीनों पेपर प्रैक्टिस सेट हमने बता दिए आपको। अगर आपको ये पेपर देखने हैं कि ये पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप स्टोर में सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट PDF नाम से एक फोल्डर है, ठीक है, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोविडेंस कोचिंग में, उसको आप जा सकते हो, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलता है वो फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है 8279706437, ठीक है, इसमें आप कॉल कर सकते हो, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। और जल्दी हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन इंजीनियरिंग लाइव यूट्यूब में सर्च, मतलब यूट्यूब में चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 दिन का डेमो फ्री रहेगा, उसके बाद उसमें आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो जिन भी बच्चे फ़ी पे करेंगे उनको लिंक मिल जाता है यूट्यूब का, कुछ टाइम बाद यूट्यूब से वो वीडियो हट के हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आ जाती है। तो जो पेड बच्चे हैं उनको वो 1 साल तक बिना रोक टोक के वो वीडियोज़ को देख सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर वो परचेस करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा इतना सा वीडियो, छोटा सा वीडियो था, एकदम ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि आपका मेन फोकस किस में होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको थोड़ा स्पीड में बता दिया, आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। प्रोविडेंस कोचिंग ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको एक पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग आज पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। SSB वर्ड आप पंकज कुमार कोच, क्लास का टाइम क्या है, क्लास का टाइम 11 बजे होता है, लेकिन वो थोड़ा कुछ कारण से सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए हम दे पा रहे हैं उन क्लासेस को, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पेड क्लासेस में जुड़ना है तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं 8279706437, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आज पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे UKSSSE की कोई जानकारी आती है, ठीक है, तो वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो जितने भी लोग हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पेपर वगैरह मिलते हैं हमें, उत्तराखंड जेई के पेपर UKSSSE की साइट में अवेलेबल हैं, ठीक है। आशीष जिस चैनल आप देख रहे हो टारगेट AJEE, तो ये हमें सारे पेपर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आशीष का भी शुक्रिया। चलिए, तो ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे भी आप मिल सकते हो, बिल्कुल राणा जी आपके पास तो नंबर होगा हमारा, तो वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब हम स्ट्रीम को बंद कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।
ठीक है, आपको बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई भी हम सूचना लाएंगे यूके ट्रिपलेसी से संबंधित। चलिए, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।